हरिओम हरे कृष्ण। वास्तव में व्यक्ति के अंदर अपरिमित संभावनाएं और बहुत सारी ऊर्जा होती है, बस वो उसे बर्बाद अक्सर कर दिया करता है। यदि हमारे बच्चे 25 साल तक की उम्र तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो वो बड़े कमाल के काम कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ब्रह्मचर्य का खंडन करके वो निराशा भरी जिंदगी को जीते हैं, हजार प्रकार के रोगों में पड़ जाते हैं, भविष्य को बर्बाद करते हैं, घर परेशान हो जाते हैं, और अगर समाज के विषय में बात करें, समाज में विकृति आती है, देश आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारे युवा अपना 100% नहीं दे पाते। इसीलिए हम अक्सर करके धार्मिक वीडियो के साथ साथ ब्रह्मचर्य से रिलेटेड वीडियोज को भी बीच में लेकर के आते हैं, क्योंकि यह भी धर्म का एक प्रमुख अंग है। अब हमारे जो ब्रह्मचारी हैं उनमें से कुछ समझदार ब्रह्मचारी कठोरता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कुछ संकल्प लेना चाहते हैं। एक बड़े ही प्यारे बच्चे मिस्टर शिवी लिखा हुआ था उनकी आईडी पर, एक उनका कमेंट आता है मेरी किसी ब्रह्मचर्य से संबंधित वीडियो पर, गुरुजी मेरा केवल आपसे एक प्रश्न है कि क्या फर्क है एक कामी व्यक्ति में और एक ब्रह्मचारी व्यक्ति में? यदि एक ब्रह्मचारी का मन भी विकृत हो जाता है किसी गंदी फिल्म को देख करके, या फिर किसी नग्न अवस्था में स्त्री को या लड़की को देख करके, ब्रह्मचर्य हो तो ऐसा हो जैसा महावीर का था, जैसा बुद्ध का था। अब बुद्ध के ब्रह्मचर्य को कम थोड़ा ही कहा जा सकता है, वह तो एक चरम अवस्था है। महावीर के ब्रह्मचर्य को कम थोड़ा ही कहा जा सकता है, वो तो एक बिल्कुल अंत की अवस्था है जहां मनुष्य ही भगवान हो जाता है, वह तो बहुत ऊंची अवस्था है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। अगर एक छोटा बच्चा जो कि साइकिल चलाना सीखना चाहता था, अभी वह लोगों को देखता था कि साइकिल चलाते हैं, मैं थोड़ा बड़ा भी हो गया हूं, मैंने अब तक साइकिल चलाना सीखी ही नहीं है, मुझे भी सीख लेना चाहिए। अभी उसने संकल्प लिया ही था कि मैं आज साइकिल चलाना सीखूंगा कि गांव में साइकिल का तमाशा दिखाने वाले कुछ लोग आ गए। अब वहां पर एक एक्सपर्ट आदमी कभी अगले पहिए पर साइकिल को चलाता था, कभी हैंडल पर खड़े होकर के साइकिल को चला दिया करता था, कभी उल्टा खड़ा होकर साइकिल चला रहा था। इतना एक्सपर्ट आदमी देख करके वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने घर आकर के अपना संकल्प इधर उधर फेंक दिया और सोचा कि मैं अब साइकिल चलाना नहीं सीखूंगा, क्या फायदा ये जो लोग साइकिल चला रहे हैं, ये भी कोई साइकिल चलाना हुआ, साइकिल तो वो चला रहा था। देखो कितना एक्सपर्ट था, कभी ऐसे होता था कभी ऐसे होता था, विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिखाता था साइकिल पर। अब क्या वो साइकिल चलाना कभी सीख पाएगा? यदि इसी बात को दिमाग में रखेगा वो कभी नहीं सीख पाएगा। निश्चित तौर पर वह एक ऊंची अवस्था है, और निश्चित तौर पर आप अच्छे बच्चे हैं जो आप इस तरह की बात सोच रहे हैं कि हम उस तरह के ब्रह्मचर्य में स्थापित हो जाएं, लेकिन क्या यह मजाक बात है? या फिर इसकी शुरुआत आप ऐसे ही कर सकते हैं कि बस आज से हमें महावीर हो जाना है? क्रम से सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। अगर वो बच्चा वास्तव में चाहता था कि मुझे उसके जैसा एक्सपर्ट होना है तो उसे चाहिए था कि पहले वह सामान्य अवस्था में साइकिल चलाना सीखता, मेहनत करता, बैलेंस बनाना सीखता, जब सीख जाए तो वहां न रुकता और सोचता कि अब मुझे उसके जैसा बनना है, और अभ्यास करता तो शायद उसके जैसा बन सकता था। लेकिन यह सोचकर कि ये भी लोग कोई साइकिल चलाते, वो अपने साइकिल चलाना सीखने के निर्णय को भी इसी तरह से रद्दी के टोकरी में डाल देगा, तो क्या वो कभी साइकिल सीख पाएगा? नहीं, वास्तव में हमें शुरुआत नियंत्रण से करनी होती है, हमें शुरुआत दमन से करनी होती है। बहुत सारे धर्मगुरु इस तरह की बात कहते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, कि क्या फायदा इस तरह के ब्रह्मचर्य का जिसमें हर वक्त काम वासना मन में चल रही हो। शुरुआत तो वहीं से करनी होती है भाई, जो बातें आपको दर्शन में अच्छी लग रही हैं ना वो व्यवहार में भी अच्छी हों ये जरूरी नहीं है। इसलिए शब्द जाल से बाहर निकलो और यथार्थ के धरातल पर आकर के ब्रह्मचर्य का पालन करो, इसमें आपकी भलाई है, आपके परिवार की भलाई है, देश की भलाई है और समाज की भलाई है। हरिओम हरे कृष्ण।